एक होता है व्यक्ति, एक होती है संस्कृति। जो कुछ हुआ वो एक व्यक्ति के चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा के कारण से हुआ, और भारतीय संस्कृति जो 1,96,8,53,118 वर्ष पुरानी है, उसमें कितने हजारों लाखों करोड़ों साधु संत महात्मा यति सन्यासी जिनका श्रेष्ठ आचरण था और जिनसे पूरी दुनिया शिक्षा दीक्षा लिया करती थी, जिनको अपना आदर्श माना करते थे। अब उस संस्कृति की जड़ें ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं हिल सकती। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म न कोई ढोंग है, न कोई आडंबर, न कोई पाखंड, न कोई प्रदर्शन है। धर्म तो जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, और जो ढोंग पाखंड आडंबर प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है, कहीं ना कहीं विलासिता के साधनों का प्रयोग करता है, वो संत कहने के काबिल ही नहीं होता है। हमारे देश की जनता को भी ये समझना होगा कि ये तीन चीजें तो बाहर से दिखती है कि इसके जीवन में सादगी है अथवा तड़क भड़क है। दूसरा, सादगी के अलावा उस व्यक्ति का जो जीवन है उसके अंदर कोई, जिसको एक तप कहते हैं, वो तप नाम का तत्व, माने उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसके हाव भाव, इसका पता लग जाता है। तो सादगी, तपस्या, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति जिन बातों का प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति निष्ठा पर आधारित है या धर्म संस्कृति की निष्ठा पर आधारित है। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा की जाती है, चित्र नहीं चरित्र की पूजा की जाती है। इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो ढोंगी पाखंडी अंधविश्वासी बाबाओं से बच जाएंगे। और सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्म, कर्म को अपना धर्म माने तो फिर कोई बाबा पाखंडी किसी को नहीं बहका सकता। बाबा अभी दिग्विजय सिंह ट्वीट करते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि फर्जी बाबाओं की लिस्ट में रामदेव बाबा का नाम क्यों नहीं है। ऐसा देखो, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, मैंने उसका कभी नाम जुबान से नहीं लिया, इसलिए उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा।